हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। सर्च एलिमेंट इन मैट्रिक्स एक बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं, उनको समझ में आता ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, और फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन। यू आर गिवेन एन एम इंटू एन इंटीजर मैट्रिक्स मैट्रिक्स विद द फॉलोइंग टू प्रॉपर्टी। ठीक है, कि जितने भी इसके एलिमेंट है मैट्रिक्स के वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, नॉन डिक्रीजिंग मतलब क्या, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, और जो फर्स्ट इंटीजर है ईच रो का इज ग्रेटर देन लास्ट इंटीजर ऑफ द प्रीवियस वन। जैसे इस रो का जो एलिमेंट है 10, वो प्रीवियस रो के एलिमेंट 7 से ग्रेटर है, वैसे ही जो इस एलिमेंट है 23, वो 20 से ग्रेटर है। मतलब जो मैट्रिक्स है उसका जो रो है सॉर्टेड है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हर एक रो सॉर्टेड है। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि कोई एलिमेंट हमें दिया रहेगा टारगेट, उस एलिमेंट को इसमें सर्च करना है कि क्या वो एलिमेंट इस मैट्रिक्स में अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो ट्रू रिटर्न कर दो, अगर अवेलेबल नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर दो। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं, ये हमारा क्वेश्चन। पहले हम क्वेश्चन को काफ़ी बारीकी से समझेंगे और फिर इसका चीरहरण करेंगे, मतलब इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक एम इंटू एन का मैट्रिक्स दिया है जिसका नाम है मैट्रिक्स, दो प्रॉपर्टी दिया है, हर एक रो सॉर्टेड है नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग मतलब क्या, इंक्रीजिंग, और जो फर्स्ट इंटीजर है हर एक रो का फर्स्ट इंटीजर, वो अपने लास्ट इंटीजर की जो लास्ट रो है उसका जो एलिमेंट है, जो लास्ट एलिमेंट उससे ग्रेटर है। हमें समझ में आ गया, और हमें एक टारगेट दिया है। टारगेट हमें बताना है कि जो टारगेट एलिमेंट है वो इस मैट्रिक्स में प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट है तो ट्रू रिटर्न करना है, अगर नहीं प्रेजेंट है तो फॉल्स रिटर्न कर देना है। तो सिंपल वर्ड में कहें तो एक एलिमेंट को इसमें खोजना है कि नहीं। और देखो, यू मस्ट राइट अ सोल्यूशन इन ओ ऑफ लॉग एम इन टू एन। आपको जो सोल्यूशन लिखना है वो लॉगरिथमिक सोल्यूशन लिखना है, मीन्स लॉग वाला सोल्यूशन लिखना है जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ लॉग एम इन टू एन होना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले मैं नाइव सॉल्यूशन बताऊंगा कि जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखते हैं तो आपके दिमाग में सॉल्यूशन कैसे आएगा। तो एक जो नाइव सॉल्यूशन है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पता है कि इसमें रो दिया है एम और कॉलम दिया है एन। तो मैं क्या करूंगा, हर एक कॉलम में हर एक रो, हर एक रो में हर एक कॉलम को ट्रावर्स करूंगा, हर एक एलिमेंट को बेसिकली मैं ट्रावर्स करूंगा, और देखूंगा जैसे उस टारगेट के बराबर अगर एलिमेंट है तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा ट्रू। जैसे देखो, पहले मैं क्या करूंगा, इस रो को ट्रावर्स करूंगा, इस रो को, और इसमें इस कॉलम को, फिर इस कॉलम को, इस कॉलम को, इस कॉलम को, और हर एक कॉलम को मैं चेक करता जाऊंगा, हर एक एलिमेंट को क्या यही टारगेट के बराबर है। तो उसके लिए मुझे दो फॉर लूप लगाना पड़ेगा, एक आउटर फॉर लूप चलेगा इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एम और आई प्लस प्लस, वैसे ही एक इनर फॉर लूप चलेगा हर एक कॉलम के लिए इंट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन एन और जे प्लस प्लस, और इसमें मैं चेक करूंगा इफ जो मैट्रिक्स ऑफ आई जे, अगर ये बराबर बराबर है किसके, टारगेट के, अगर ये बराबर है तो रिटर्न कर दो क्या, ट्रू, अगर ऐसा नहीं है तो लास्ट में क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स। मतलब क्या समझे, कि मैं हर एक एलिमेंट को चेक करूंगा, यहां गया चेक किया क्या टारगेट के बराबर है, ना नहीं है, फिर आगे गया इसको चेक किया क्या टारगेट के बराबर है, हाँ यही टारगेट के बराबर है क्योंकि यहाँ टारगेट 3 है। जैसे बराबर आ जाएगा तो मैं क्या कर दूंगा, ट्रू रिटर्न कर दूंगा। तो मैं इसको चेक किया, इसको चेक किया, इसको चेक किया, मानो हमारा एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है, कोई एलिमेंट है जिसका नाम है जैसे 65, वो एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो मैं क्या करना पड़ेगा, हर एक एलिमेंट को मैंने ट्रैवर्स किया, हर एक एलिमेंट को, हर एक एलिमेंट के पास गए, उसको उससे मैच किया और देखा कि इसका बराबर नहीं है, और लास्ट लास्ट में मैंने बाहर निकला तब देखा कि अरे यार तो बराबर कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो मैं क्या कर दिया, इसको फॉल्स रिटर्न कर दिया। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना ज्यादा हमको टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा ओ ऑफ एम इंटू एन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, लॉगरिथमिक में निकालना है। तो आपको एक चीज पता होगा कि जो लॉग टाइम, लॉगरिथमिक टाइम होता है ओ ऑफ लॉग एम इंटू एन, इसका मतलब क्या, हम बाइनरी सर्च का यूज कर सकते हैं, बाइनरी सर्च का, क्यों, क्योंकि यार जो हमारा एलिमेंट है सॉर्टेड है, आपको यहाँ दिख रहा होगा, बाइनरी सर्च हम कब लगाते हैं, जब हमारा एरे का एलिमेंट सॉर्टेड रहता है। तो आप देख पा रहे होंगे वहाँ 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 10, 11, 16, 20, 23, 30, 34, 60। तो अभी आपको दिख रहा होगा कि यार जो हमारा एलिमेंट है हर एक रो सॉर्टेड है,
तो मैं बाइनरी सर्च काफी आसानी से लगा पाऊंगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा अभी नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ूंगा और आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं इस फिगर को याद कर लेता हूँ। 1357 मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 1357, 10 11 16 20, 10 11 16 20, काफ़ी ध्यान से समझो, हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा, फिर भूलना मुश्किल हो जाएगा। 23 30 34 60, 23 30 34 है ना, 34 60, 34 60। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, बाइनरी सर्च लगाने वाले हैं। तो बाइनरी सर्च कैसे लगता है, बाइनरी सर्च लगता है उसके लिए हमें फर्स्ट इंडेक्स और लास्ट इंडेक्स निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ हमारा जो रो दिया हुआ है, हमारा जो रो दिया है एम दिया हुआ है, एन इक्वल टू हमारा दिया है कॉलम, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो इंडेक्स है, जो सबसे पहले रो है, इसको मैं यहाँ जीरो मान लूंगा, जीरो। तो मैं एक स्टार्ट पॉइंटर बनाऊंगा जिसका नाम है एस, जिसका वैल्यू है जीरो। एक एंड बनाऊंगा एंड, क्योंकि हमें बाइनरी सर्च लगाने के लिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता होना चाहिए। तो एंडिंग पॉइंट कितना है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि जो रो नंबर है कितना है, 1 2 3, 3 रो है N3। M कितना है, 1 2 3 4, 4 कॉलम है। और जो लास्ट वाला एलिमेंट है इसका इंडेक्स क्या होगा, इसका इंडेक्स तो मैंने जीरो निकाल लिया, जीरो से शुरू होगा, इसका इंडेक्स क्या होगा। तो आप बोलोगे सर इसमें नंबर ऑफ रोज है जो 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 4 है, तो जो एंडिंग इंडेक्स हो जाएगा 3 × 4 − 1, विच इज 12 − 1 इक्वल टू क्या, 11। 11 हो जाएगा, इसमें कोई नहीं दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जैसे 0 1 2 3, इसका इंडेक्स 4, इसका 5 6 7 8 9 10 11, इसका इंडेक्स क्या हो गया, 11 हो गया। इतना समझ में आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, जब तक हमारा एस ई से लेस देन है, मैं एक लूप लगा दूंगा वाइल एस लेस देन इक्वल टू ई। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक मिड एलिमेंट निकालना पड़ेगा, इंट मिड इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको पता है कि एस प्लस ई अपॉन 2 होता है। मिड हमने निकाल लिया, हमने क्या किया मिड निकाल लिया। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपेयर कराना पड़ेगा कि जो हमारा टारगेट है वो इसके बराबर है कि नहीं, जो मिड हमारा आएगा मिड। तो अगर देखो, अब अगर मुझे हमारा एरे रहता, ये हमारा क्या है मैट्रिक्स है, अगर एरे रहता तो मैं क्या करता, इफ एरे ऑफ जो हमारा मिड है, मिड अगर यहीं बराबर बराबर है टारगेट के, अगर यही टारगेट के बराबर है तो मैं क्या करता, रिटर्न ट्रू कर देता। अगर ये हमारा समझो कि एरे रहता, ये मैट्रिक्स अभी है, अभी ये एरे रहता, तो मैं क्या करता, चेक करता कि एरे ऑफ जो मिड है, जो हमने मिड निकाला है, एरे ऑफ जो मिड है अगर यही टारगेट के बराबर है तब तो रिटर्न ट्रू कर दो। अगर ये टारगेट के बराबर नहीं है, या फिर एरे ऑफ जो मिड है अगर ये बड़ा है टारगेट से, तो मैं लेफ्ट पार्ट में जाता, अगर ये छोटा है तो फिर मैं राइट साइड में जाता, ऐसा कुछ करता, ऐसा कुछ लॉजिक लगाता। लेकिन यहाँ तो एरे नहीं है, मैट्रिक्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ एरिया ऑफ मिड है, तो मिड हमारा कितना आ गया, मैं मिड इसका निकालूंगा, मिड कितना हो जाएगा, 0 + 11/2, मीन्स 11/2 मीन्स क्या, 5। एंड ये हमारा क्या हो गया मिड, जो एलिमेंट 11 है मिड। तो 11 को मैं कैसे कंपेयर करूंगा टारगेट से, टारगेट हमारा क्या है 3, हमारा टारगेट क्या है 3, कि हमें 3 को फाइंड आउट करना है कि नहीं, टारगेट 3 है, लेकिन यहाँ हमारा मिड वैल्यू है 5, और 5 पर जो एलिमेंट है उसका वैल्यू क्या है 11। तो मैं 11 को 3 से कैसे कंपेयर करूंगा, तो मुझे एक रो और कॉलम निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए और इसके एलिमेंट को फेच करने के लिए हमें रो का भी इंडेक्स चाहिए और कॉलम का इंडेक्स चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इंट रो इक्वल टू, मैं क्या कर लूंगा, रो इक्वल टू कर लूंगा मिड डिवाइडेड बाई एन, जो इसका नंबर ऑफ कॉलम है, और कॉलम के लिए मैं क्या करूंगा, मिड मॉडुलस एन। अब इसे क्या होगा, अब देखो रो, रो यहाँ निकालूंगा, मैं यहाँ रो लिखता हूँ, रो मिड, मिड का वैल्यू कितना है 5, मिड का वैल्यू कितना है 5, डिवाइड बाई एन कितना है 4, तो क्या हो जाएगा 1। वैसे ही कॉलम का वैल्यू कितना है, कॉलम, कॉलम का वैल्यू कितना है, मिड का वैल्यू कितना है 5, मॉडुलस करेंगे 4, कितना आ जाएगा 1। तो अब देखो, अब मैं यहाँ चेक करूंगा, इफ जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स रो और कॉलम अगर ए बराबर बराबर है टारगेट के, अगर ऐसा कुछ है तो रिटर्न कर दो ट्रू, कि वन हमें एलिमेंट मिल गया। तो मैट्रिक्स ऑफ 1 1, तो मैं यहाँ लिखूंगा यहाँ मैट्रिक्स ऑफ 1 और 1। तो आप देखो मैट्रिक्स, इसका जो इंडेक्स वैल्यू 0 हो जाएगा, इस रो का 0 1 2,
और यहाँ क्या हो जाएगा 0, 1, 2, 3, इसका 1 और इसका 1 कहाँ मैच कर रहा है, यहाँ देख गया। तो मैट्रिक्स ऑफ इसको क्या लिखते हैं, 1 और 1, मैट्रिक्स ऑफ रो और कॉलम, मैट्रिक्स ऑफ क्या लिखूंगा, रो और कॉलम। समझ में आया? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज आप वीडियो को पीछे कीजिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। बाइनरी सर्च में क्या होता है कि हम एक शुरू का एलिमेंट निकालते हैं, लास्ट का एलिमेंट निकालते हैं, फिर उसका मिड वैल्यू निकालते हैं और उसको कंपेयर करते हैं कि क्या यही जो एलिमेंट है टारगेट के बराबर है। अगर यही एलिमेंट टारगेट के बराबर है तब तुम्हारा एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर वो एलिमेंट टारगेट से बड़ा है, मतलब क्या, जो हमारा लास्ट इंडेक्स है उसको मिड -1 कर दो, मिड से इधर ला, मतलब लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। अगर जो एलिमेंट है अगर छोटा है तो फिर राइट साइड में प्रेजेंट है, ऐसा कुछ। ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, इफ कंडीशन के बाद यहाँ एल्स कंडीशन आएगा, एल्स इफ जो हमारा मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ रो और कॉलम, अगर ये ग्रेटर देन है टारगेट से, अगर ये टारगेट से बड़ा है, जैसे यहाँ क्या है 11 टारगेट से बड़ा है, टारगेट कितना है 3, लेकिन ये 11 बड़ा है, तो मैं क्या करूँ, जो हमारा ई था, ई ई हमारा जो था 11, इसको मैं क्या करूँ घसका के, अब मिड -1 अभी हमारा यहाँ आ गया, ये हमारा यहाँ आ गया, अब स्टार्टिंग हमारा हो गया, स्टार्टिंग ही हो गया, एंडिंग ही हो गया। अब फिर मैं इसका मिड निकालूंगा, वैसे ही मैं चेक करता रहूंगा, और एल्स पार्ट में मैं क्या कर दूंगा, एल्स एल्स में मैं क्या कर दूंगा, एल्स इफ मैट्रिक्स अगर वो अगर ग्रेटर देन टारगेट के है, अगर टारगेट के ग्रेटर है तो इस केस में मैं क्या करूंगा, ई इक्वल टू कर दूंगा मिड -1, और नहीं तो क्या कर दूंगा, नहीं तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एल्स एस इक्वल टू मिड +1। और लास्ट में मैं क्या कर दूंगा, वाइल लूप से बाहर निकलने के बाद, वाइल लूप से बाहर निकलने के बाद मैं रिटर्न कर दूंगा क्या, फॉल्स। तो आई थिंक आपको कोड थोड़ा बहुत समझ में आया होगा लॉजिक क्या करता है। अभी मैं आपको ड्राई रन करके दिखाता हूँ ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये देखो कैसे होगा, मैं एक मार्कर वाला चेंज करूंगा और आपको बताऊंगा। ये हमारा C++ कोड है और ये हमारा क्या कोड है, जावा, जावा कोड है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं चेक करूंगा जो मैट्रिक्स है वो इम्प्टी तो नहीं है, अगर मैट्रिक्स इम्प्टी होगा तब तो भाई ऐसे ही रिटर्न फॉल्स कर दो, चेक करने की बात नहीं है। अगर मैट्रिक्स ही हमारा खाली है तब तो चेक करने का बात ही नहीं है, रिटर्न कर दो फॉल्स। नहीं तो मैं एम निकालूंगा जिसमें मैट्रिक्स का साइज होगा, जो रोल नंबर होगा एम में आ जाएगा, फिर मैं कॉलम का साइज निकालूंगा, कॉलम कितना है उसमें एन, एम मैट्रिक्स 0 डॉट साइज। मैट्रिक्स 0 क्यों करूंगा, क्योंकि यार कम से कम उसका जो अगर कोई भी उसमें कॉलम है तो कम से कम एक रो तो उसमें होगा ही, इसलिए मैं डायरेक्ट 0 रो को ले लूंगा और उसका साइज निकाल लूंगा, क्योंकि एक जो उसका रो है उसका मैं साइज निकाल दूंगा तो जितने भी रो होंगे उसी साइज के होंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, एक स्टार्टिंग पॉइंट बनाऊंगा जिसका नाम है लेफ्ट, एक लेफ्ट पॉइंटर और एक राइट पॉइंटर, जैसे मैंने आपको बताया है एम इन टू एन जितने एलिमेंट है उसके -1 तक कर दूंगा, और जब तक लेफ्ट लेस देन इक्वल टू राइट है मैं एक मिड निकाल लूंगा, मिड एलिमेंट। मिड के लिए आप S+E/2 कर सकते हैं, इस केस में आपको लेफ्ट+राइट+2/2 कर सकते हैं, या फिर आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको आप यूज कीजिएगा तो आपको कभी भी बग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लार्ज टेस्ट केसेस को भी हैंडल कर लेता है, हम लोग कभी बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में। आप इस तरह लिख सकते हैं या फिर लेफ्ट+राइट/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें रो निकालना पड़ेगा, रो क्यों, क्योंकि यार ये हमारा एरे नहीं है, ये हमारा मैट्रिक्स है, तो किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें उसका रो का इंडेक्स और कॉलम का इंडेक्स दोनों का इंडेक्स रहना चाहिए, तो हमें रो का इंडेक्स हमने निकाल लिया, वैसे ही हमने कॉलम का यहाँ निकाल लिया। फिर मैं क्या करूँगा, चेक करूँगा कि क्या जो मैट्रिक्स रो है और कॉलम है वही टारगेट के बराबर है, अगर टारगेट के बराबर है तो रिटर्न ट्रू कर दो, अगर जो एलिमेंट है टारगेट से लेस देन है, मतलब हमारा एलिमेंट किस में है, मिड+1 में, राइट साइड में है, तो राइट साइड में चला जाए मिड+1, नहीं तो लेफ्ट साइड में आ जाए मिड-1। अगर ये सारा का सारा प्रोसेस आपने करके देख लिया लेकिन एलिमेंट आपको नहीं मिला तो रिटर्न कर दो क्या, फॉल्स, क्या करना है, रिटर्न फॉल्स कर देना। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको कोड और जो इसका इंट्यूशन है और जो इसका एल्गोरिदम आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। और इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा, आपको पता है कि जो बाइनरी सर्च होता है उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है ओ ऑफ लॉग एन, चूंकि यहाँ एम और एन दो अलग अलग क्या है, रो, एक रो है एक कॉलम है, तो इस केस में हमारा क्या हो जाएगा, ओ ऑफ लॉग ऑफ एम इंटू एन, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, हमने कोई भी यहाँ एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया है, जो स्पेस है उसी में हमने काम चलाया है, तो ओ ऑफ क्या हो जाएगा, 1। अगर हम कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ यूज करते, मैं यहाँ देख लेता हूँ कोई एक्स्ट्रा स्पेस यूज तो नहीं हुआ है, नहीं कोई नहीं यूज हुआ है, हमारा इसी वेरिएबल है तो वेरिएबल जनरली हम लोग काउंट नहीं करते हैं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 हो जाएगा। ये हमारा सिमिलर जावा कोड है, आप इसको भी रेफर कर सकते हैं।
और आपको समझ में आया है सच में तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है जैसे कि आपको पता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फिर मैं चलूंगा कोड आपको दिखाऊंगा। तो जो अभी हमने आपको चीज़ें समझाई हैं सेम टू सेम उसी को हमने यहाँ कोड में लिखा है कि अगर मैट्रिक्स का साइज जीरो है, रो का साइज या फिर कॉलम का साइज जीरो है, तब तो भाई ऐसे ही तुम रिटर्न फॉल्स कर दो, और नहीं तो तुम एम में मैट्रिक्स के साइज को स्टोर कर दो, मतलब उसके रो को और एन में कॉलम को, फिर एक लेफ्ट पॉइंटर बनाओ, एक राइट पॉइंटर बनाओ, और फिर एक व्हाइल लूप चलाओ जब तक लेफ्ट लेस देन है राइट के, मिड एलिमेंट निकालो, फिर रो का वैल्यू निकाला, कॉलम का वैल्यू निकालो और इसको चेक करते रहो और लास्ट में रिटर्न फॉल्स कर दो। तो कोई भी डाउट अगर आपको रह जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, अभी मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। तो जैसे ही मैं रन पर क्लिक करूंगा आपको कुछ देर बाद यहाँ दिखेगा कि हमारा जो कोड है रन कर गया, एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही इंसाइटफुल कंटेंट के लिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और आप व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर हमसे ऐड हो जाओ, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझ कर आपको हमसे इंस्टाग्राम पर भी ऐड हो जाना है, जाइए आप वहाँ फॉलो कर लीजिए, और कोई भी आपका डाउट है तो मैं आपको डाउट हमेशा सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे कुछ धमाकेदार वीडियो के साथ, टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।